भंडारा जिल्हा परिषद विजय समित्यांच्या सभापती पदाच्या निवडणुकीत किंतु परंतुच्या सर्व शक्यतांना बाजूला सारित काँग्रेस व चरण वाघमारे यांच्या समर्थित सदस्यांनी एकत्रित येत विरोधकांचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडलेत. काँग्रेसतर्फे रमेश पारधी, मदन रामटेके, स्वाती वाघय तर विकास फाउंडेशन समर्थित अपेक्षा, राजेश बालू सेलोकर यांची सभापतीपदी वर्णी लागली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील संख्याबळ येथे सुद्धा कायम राहिले व निवडणुका 25/27 एवढ्या मताधिक्याने पार पडल्या. काँग्रेसतर्फे स्वाती वाघये यांना महिला व बालकल्याण विभागाची तर मदन रामटेके यांच्याकडे समाजकल्याण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर अध्यक्ष उपाध्यक्षांसह इतर सभापतीचे खातेवाटप नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. 10 मे रोजी भंडारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीसाठी सभा झाली. अत्यंत अटीतटीच्या या निवडणुकीत 2 सदस्यांच्या फरकाने काँग्रेस अध्यक्ष बनवण्यात यश आले तर माजी आमदार चरण वाघमारे समर्थित संदीप ताले यांची उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती. यावेळी सभागृहात मारहाण आणि शिवीगाळ असे प्रकार घडल्याचा आरोप करीत सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रारीसुद्धा दाखल केल्या. पोलिसांनी विद्यमान उपाध्यक्ष संदीप ताले, तुमसर पंचायत समितीचे सभापती नंदू रहांगडाले आणि जिल्हा परिषद सदस्य उमेश पाटील यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले असून न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर आज 19 मे रोजी पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून होते. अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद गमावल्यानंतर भाजपवर आकात विषय समिती सभापती पदाकरिता जोरदार प्रयत्नसुद्धा झाले, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. आज पार पडलेल्या जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या स्वाती वाघये यांच्या विरोधात भाजपच्या माहेश्वरी नेवारे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला होता, तर काँग्रेसचे मदन रामटेके यांच्या विरोधात राका समर्थित अपक्ष अस्मिता डोंगरे यांनी आपला अर्ज सादर केला होता. तालुका काँग्रेसचे रमेश पारधी यांच्या विरोधात राकाच्या राजश्री तिघरे तर अपक्ष राजेश सेलोकर यांच्या विरोधात गजानन निरगुळे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला. मात्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतील मताधिक्य येथे सुद्धा कायम राहिले व काँग्रेस व अपक्ष यांच्या बाजूने 27 तर विरोधकांच्या बाजूने 25 मते पडली. आता आम्ही पक्षामध्ये नाही आहोत. विकास फाउंडेशन ही सामाजिक संघटना आहे आणि माझ्या विचारधारेचे लोक जिल्हा सदस्य माझ्यासोबत आहेत. ज्या पद्धतीनं एक नैसर्गिक वातावरण जिल्ह्यामध्ये तयार झालं, जनतेच्या मनातली परिस्थिती तयार झाली, ती परिस्थिती आम्ही 5 वर्ष टिकून ठेवू. आम्ही न्यायालयीन लढाई लढायला सक्षम आहो. त्यांनी ज्या पद्धतीनं म्हणजे पक्ष आदेशची कारवाई केली, पक्षाची कारवाई केली, ती 100% चुकीची आहे हे आम्ही कलेक्टरच्या लक्षात आणून देऊ. हम 21 है लेकिन हम 21 में अभी 27 है, हम सभी 27 साथ मिलकर काम करेंगे. हमारे नेता कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के प्रदेशाध्यक्ष माननीय नाना पटोले साहब ने जो मुझे इस भंडारा जिला परिषद के सभापति पद की जो जवाबदारी दिया है, ये जवाबदारी को स्वीकारते हुए इस जिला परिषद के माध्यम से जो भी हमारे ग्रामीण भाग के विकास के लिए और अभी विभाग की भागनी होने की है और जो भी विभाग की जवाबदारी मेरे को दी जाएंगी वो जवाबदारी स्वीकारते हुए मेरा फर्ज रहेगा कि मेरे नेता नाना पटोले जैसा उनका एक किसानों के बारे में ग्रामीण विकास के बारे में जो उनका लक्ष्य है, सपना है, उसको जिला परिषद के माध्यम से वही सपना को साकार करके जिला परिषद के माध्यम से जो भी शिक्षा है, आरोग्य है, जो भी और ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए जो हमारे विभाग है 15-16 उसको प्रभावी रूप से आखिरी के घटक तक, इंसान तक, गांव तक, ये जिला परिषद के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार की जो भी योजना है प्रभावी रूप से रबाई जाएंगी. और एक जनता को जो उम्मीदें आपसे है और आपको अनुभव भी है जिला परिषद में किस तरह गाँव में काम होना चाहिए, तो वो उम्मीद रखें. मुझे ये 15 साल का जिला परिषद पंचायत समिति का अनुभव रहने की वजह से जिला परिषद के माध्यम से क्या करना चाहिए जिला परिषद के पदाधिकारियों ने, इसका पूरा अनुभव रहने से वो जरूर उसका हम ग्रामीण के विकास के लिए उसका पूरा एक
फायदा देंगे। यानी ये पूरे श्रेय जो आप दे रहे हैं नाना जी को दे रहे हैं। हमारे नेता है जो सभापति बनने का जो जो सौभाग्य जो दिया है वो हमारे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने ही किया, और सर्वसम्मति से जो हमारे पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के पूरे 21 सदस्य और चरण भाऊ वाघमारे के विकास फाउंडेशन के 6 सदस्यों के समर्थन से यहाँ जिला परिषद हमने काबिज किया है, इसलिए पूरा श्रेय वो हमारे दोनों नेताओं को जाता है। हम जो हो सके वो कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आज ही अपन सत्ता पे बैठे हैं, जितनी भी मदद करना चाहते हैं जनता के लिए वो पूरी मदद अपने तौर से अपन जनता के लिए पूरी मदद करेंगे। 5 साल वो जो नाराजगियाँ है वो दूर करने की कोशिश करेंगे ना। नाराज वो तो होती रहता है सत्ता में, अपक्ष अपक्ष में तो नाराजगी होती रहती, लेकिन अपन भेदभाव कोई प्रकार का नहीं करेंगे। हर इंसान के लिए अपन जो हो सके वो अपन उनकी जरूरतमंद पूरी करने की कोशिश करेंगे। दिसणार नाही, आमचे जे सदस्य आहेत ना, आमचा पक्ष आहे ना, आमचे नेते पटोले साहेब आहेत, यांच्या आदेशात शेवटी फायनल असतो। पक्षश्रेष्ठीने जो जो पक्षश्रेष्ठीने जो निर्देश दिले त्याप्रमाणे सर्व काम झालेलं आहे। और हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है, जो भंडारा जिला परिषद में कांग्रेस की सत्ता बैठे उनके नेतृत्व में अध्यक्ष का भी चयन हुआ है और अभी चारों सभापति का भी चयन हुआ। खुशी की बात है क्योंकि कांग्रेस के भंडारा जिला में बहुत खुशी हुई है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।